हमने आधा किलो आमला लिया है, उसे धो लिया है। अब इसे चक्कू या किसी नुकीली चीज़ फोक की सहायता से छेद करेंगे। हम फोक की सहायता से इसमें छेद करेंगे और छेद अंदर तक करेंगे जिससे चाशनी अंदर तक जा सके। इसी तरह हम सभी आमलों पे बारीक बारीक छेद करेंगे। को हम अब चूने के पानी या फिटकरी के पानी में डालेंगे। हम तो अभी फिटकरी के पानी में सभी आमलों को डालेंगे और इसे लगभग 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। चूने या फिटकरी के पानी में आमले रखने से उसका कसैलापन दूर हो जाता है। आमले को पकाने के लिए लगभग 1 कटोरी या 1 पाव चीनी डालेंगे और जितनी ही चीनी डालेंगे उतना ही पानी डालेंगे। चीनी को पिघलने देंगे। पिघल चुकी है, आमलों को आप चाशनी में ऐड करेंगे। अब इसे ढककर पकने देंगे और बीच बीच में देखते रहेंगे कि आमला बॉइल्ड हो रहा है और ये कुछ इस तरह से बॉइल्ड हो रहा है चाशनी में। इसे यूं ही ऐसे पकने देंगे और देखते रहेंगे कि कैसा पक रहा है। बीच बीच में चेक भी करेंगे अपन। तेज आंच में कुछ ये इस तरह से पक रहे हैं। अब इसे हम फिर से देखते हैं, यह लगभग इस तरह से अब दिखने लगा है। चेक करते हैं कि ये पका है कि नहीं है। ये पूरी तरह से पक चुका है और आमले का मुरब्बा रेडी है। लगभग हमने इसको 10 से 15 मिनट तक पकाया है। आप फ्लेवर के लिए इलायची भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है।